साल 2016 की सबसे बड़ी फिल्म थी दंगल। आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्डर्स तोड़ दिए और बन बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। बहरहाल आमिर खान ने खुद माना है कि उनकी आने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार उनके लिए दंगल से भी बड़ी है। हम अब दंगल से भी बड़ी फिल्म है तो क्या मान लें कि सीक्रेट सुपरस्टार 2017 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। अद्वित चंदन के निर्देशन में बनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार दिवाली के मौके पर 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही हैं दंगल फेम ज़ायरा वसीम, जबकि सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे आमिर खान। आमिर फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनके पिछले सभी किरदारों से काफी ज्यादा अलग है। बहरहाल सीक्रेट सुपरस्टार छोटे बजट की फिल्म है। फिल्म महज 20 से 25 करोड़ में बनाई गई है, लिहाजा फिल्म को हिट होने के लिए सिर्फ 50 करोड़ की कमाई करनी है। जाहिर है आमिर खान के लिए यह मुश्किल नहीं है, साथ ही 2017 तो छोटे बजट की फिल्मों के लिए काफी लकी रहा है। शुभ मंगलवार सावधान 42 करोड़ के साथ फिल्म सुपरहिट साबित हुई है। बता दें फिल्म बादशाहों के साथ क्लैश हुई थी। बरेली की बर्फी राजकुमार राव आयुष्मान और कृति सैनन स्टार है। फिल्म बरेली की बर्फी भी 34 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही है। लिपस्टिक अंडर माई बुरका इस कंट्रोवर्शियल फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, 18 करोड़ के साथ फिल्म हिट रही। टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की यह फिल्म भी महज 18 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी। फिल्म ने 133 करोड़ के लगभग की कमाई की है। हिंदी मीडियम 69 करोड़ की कमाई के साथ इरफान खान की यह फिल्म सुपरहिट रही है। बाबू मोशाय बंदूकबाज 12 34 करोड़ के कलेक्शन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म हिट रही है।